content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. Namaskar, मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएसटी प्रो नेटवर्क में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनुअल रिटर्न के बारे में है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न क्या थी? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनुअल रिटर्न एक रिटर्न थी जो हर साल में आपको एक व्यापारी को वो फाइल करनी होती, जो मैंडेटरी थी, हर रजिस्टर्ड व्यापारी को वो रिटर्न फाइल करनी होती है। एक्सेप्शनल हैं, कुछ एक्सेप्शनल हैं जिनके बारे में हम अलग बात करेंगे, लेकिन सभी व्यापारियों को वो रिटर्न फाइल करनी होती थी। अब समस्या कहाँ शुरू हुई? चूँकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई 2017 में हमारे यहाँ पर जीएसटी एक्ट आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देर लॉट ऑफ ग्लिचेज ऑन द पोर्टल, बहुत सारी तकनीकी प्रॉब्लम्स थी, गड़बड़ियाँ थी, जिनकी वजह से जीएसटी पोर्टल को लोग ना समझ पाए। और सरकार ने उसको देखते हुए थोड़ा सा रिलैक्सेशन छोटे व्यापारियों के लिए दिया। क्या दिया कि जिस व्यापारी का टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे का है वो 17, 18, 18, 19 के लिए अपनी एनुअल रिटर्न भर रहे या ना भरे, ये मैंडेटरी नहीं रहा। तो अब बात क्या हुआ कि क्या हुआ ये कि सन 2017-18 के लिए जो 2 करोड़ से नीचे के व्यापारी थे उनके लिए रिटर्न भरने के लिए क्या किया उन्होंने कि आपको मैंडेटरी नहीं है, बट 2 करोड़ से ऊपर है तो 9 यानी कि एनुअल रिटर्न और 9C मीन्स रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑडिट भी दोनों को करानी है। अब बात हम करते हैं 18, 19 और 19, 20 के बारे में। तो 18, 19 के बारे में क्या हुआ? 18, 19 के बारे में ये हुआ सी कि 18, 19 में इन्होंने एक नया और भी आगे बढ़े जी। क्या बढ़े जी? कि एनुअल रिटर्न की टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया और साथ में उसके एक एग्जम्पशंस को बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया इन्होंने? नोटिफिकेशन नंबर 47 47 में आप जैसा आप सभी समझ गए। अब हम बात करते हैं, एक नोटिफिकेशन और आया 79 में इन्होंने बात करते हैं नेक्स्ट क्या स्टेप लिया सरकार ने। दूसरा स्टेप लिया कि 18, 19 और 19, 20 के लिए जो ऑडिट है वो 5 करोड़ से ऊपर कर दी, जो पहले 2 करोड़ हुआ करती थी। ये किससे की? ये किया 79/2020 से। इसके अलावा अब बात फिर वहीं रही कि अब बात आते हैं हम जो जा चुका है 18, 19 की टाइम भी निकल चुका है और 17, 18 का भी। अब हम बात करते हैं 19, 20 के लिए। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आती थी कि क्या साहब वही वाली एग्जम्पशंस अभी कंटिन्यू हैं या नहीं है, तो हम उसके बारे में आपको बता दें जी हाँ वो कंटिन्यू है। और ये क्या है? ये नोटिफिकेशन नंबर है 77/2020 जिसमें कि उन्होंने क्या चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया कि आपको एनुअल रिटर्न की जो एग्जम्पशन थी 2 करोड़ से नीचे की उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले क्या था 47 में, वो था 2017-2018 और 2018-2019, लेकिन अब क्या किया 2017-18, 2018-19 और 2019-20 मींस 2019-20 के लिए भी 2 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले को अपनी एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करनी। और क्या करना है अब बहुत क्लियर सा है, 3 सेंटेंस में हम आपको पूरा करते हैं 19-20 में आपको क्या करना है। 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, देयर इज नो नीड टू बी फाइल द एनुअल रिटर्न, इट्स वॉलंटरी, इफ द पर्सन रजिस्टर्ड, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन वांट्स then they can file, number one. Number two, if your turnover is 2 crore to 5 crore, then 9 is mandatory, means annual return is mandatory as per section 44 subsection 1 or rule 80 sub rule 1. Isse kya hai? Audit. If your turnover is more than 5 crore, then 9 is mandatory as well as audit is mandatory. तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें भरनी है। तो बस यही हमारा एक छोटी सी क्लेरिफिकेशन करने की आवश्यकता थी आपको। अगर और भी कोई इश्यूज हैं, कोई नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, कोई रूल्स के बारे में पढ़ना है, तो आप हमारी वेबसाइट www.gstkit.in पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you.